हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको पढ़ाऊंगी आज कविता। ठीक है, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है बच्चों तो आप निकालो पेज नंबर 28। पेज नंबर 28, पार्ट नंबर कितना है? 7। क्या है नाम? कोयल। आप देख लो ये क्या है, कोयल। कोयल कैसा गाती है आपको पता है ना? सुबह उठते ही देखना, कुहू कुहू बोल के चिल्लाती है। तो हम अगर उसके आवाज में गाते हैं ना, तो और जोर जोर से गाती है। तो कहते हैं कोयल बहुत मीठी आवाज में गाती है। कोयल कब आवाज करती है, कब गाती है? तो वसंत ऋतु में। ठीक है, तो आज आपके लेसन में भी है कोयल के बारे में ये दिया हुआ है। काली सी, देखिए एकदम कौवा के जैसा दिखता है ना, लेकिन ये कौवा नहीं, ये कोयल है। तो आज हम बताएंगे, काली कोयल गाती है, मीठे बोल सुनाती है। कोयल कैसी होती है, कौन सी रंग की होती है? काली होती है। काली का मतलब क्या होता है? ब्लैक। कोयल ब्लैक होती है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर का, सिर्फ इसका आंख दिख रहा, देखिए व्हाइट। तो कोयल कैसा रंग की होती है? काली होती है। ये कहाँ पे बैठी है, दिख रहा है आपको? पेड़ की एक डाली में बैठी है, जिसे हम शाखा कहते हैं, शाखाएं, स्टेम, उसके ऊपर वो बैठी है। और वो कैसा गाती है? मीठी गाती है। मीठी का मतलब बहुत स्वीट गाना गाती है वो। ठीक है, तो काली कोयल गाती है, मीठी बोल सुनाती है। काली कोयल है, वो क्या गाती है? मीठी गाना गाती है, मीठा बोल सुनाती है। आई बसंत बहार है, कोयल की बोली में निखार है। कोयल हमेशा, कोयल देखिएगा बसंत ऋतु में गाती है ज्यादा, समर में भी नहीं गाती, ठंडे ठंडे सीजन में भी वो नहीं गाती है, साइलेंट रहती है। और जब बसंत ऋतु आने लगता है, वसंत ऋतु का मतलब होता है वो सीजन हमारा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ना गर्मी रहती है, ना ठंडा रहता है, ना बारिश रहती है। और उस समय पेड़ में जितने पत्ते रहते हैं ना, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आते हैं। उस समय का जो है वातावरण बहुत अच्छा रहता है, इसलिए कोयल खुश होकर वसंत ऋतु के समय जोर जोर से वो गाना गाती है। तो हमें पता चलता है, अगर कोयल गाना गा रही है, कोयल चिल्ला रही है, इसका मतलब है ये ऋतु सुहावना है, ये ऋतु वसंत ऋतु है। तो मीठी बोल सुनाती है, उसकी आवाज बहुत मीठा और स्वीट होता है। कोयल के बोली में निखार है, निखार का मतलब उनका आवाज बहुत अच्छा होता है। कूक कूक कर गाती कोयल, कोयल कैसे गाती है? कूक कूक करके गाती है। उसके गीत बड़े ही कोमल, कोमल का मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट, नरम। मतलब हम अगर किसी से बात करते हैं तो कैसे बात करना चाहिए, चिल्ला के बात करना चाहिए? नहीं, अगर आप अच्छी बात भी करते हैं और चिल्ला के करते हैं तो लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। मगर कोयल क्या करती है, जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसका आवाज बहुत मीठा होता है, इससे लोगों को सबको पसंद है सुनना कोयल की आवाज। वही देखिए, उसके बदले कौवा अगर चिल्लाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना? तो क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि सभी को मीठे चीज पसंद है, मतलब आवाज स्वीट होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। उसके गीत बड़े ही कोमल, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है उनका गाना। कोयल बागों में है गाती, कोयल कहाँ गाती है? हमारे घर में है कोयल? नहीं ना, हम घर में नहीं रखते कोयल, बाग बगीचे, बड़े बड़े पेड़ में, बड़े बड़े गार्डन में वो घूमते रहती है, उड़ते रहती है, वहां वो रहती है। कोयल बागों में है गाती, वो कैसे गाती है? बाग में गाती है, बाग का मतलब है बगीचा। हम सबका मन है बहलाती, हम सबका मन वो बहलाती है, खुश कर देती है हमें, उनकी बातों सुन के हम और सुनना चाहते हैं। मीठी बातें हमें सिखाती, अच्छी बातें हमें बताती। कोयल हमें क्या सिखाती है कि आप धीरे धीरे और सॉफ्ट, नरम से बात करना चाहिए, चिल्ला के बात करने से कोई भी पसंद नहीं करता है। देखो रास्ते में कुत्ते चिल्लाते रहे, कोई सुनते हैं उनकी बातें? कोई भी नहीं सुनता, गुस्सा करता है। लेकिन फिर वही कोयल गाती है तो आराम से सब सुनते हैं उनकी आवाज को। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि आप जब भी बात करो, मीठे स्वर में अच्छी बातें करो, जोर जोर से चिल्ला के नहीं करना। अगर आप अच्छी बात भी बोल रहे हो लेकिन अगर जोर जोर से चिल्लाते हो तो किसी को भी पसंद नहीं आता। सेम उसी तरह यह पोयम में कोयल गाती है, कैसे गाती है? सॉफ्ट होके, नरम से, मीठे मीठे गाती है।
तो फिर बच्चों एक बार हम आज फिर पढ़ेंगे इसको, पोयम को आप हमारे साथ पढ़ेंगे। काली काली कोयल गाती है, मीठे बोल सुनाती है, मीठे बोल सुनाती है। आई बसंत बहार है, कोयल की बोली में निखार है। बसंत कौन सा ऋतु आया है? वसंत ऋतु आया है। इसी तो कोयल ने बातें करना स्टार्ट की है, चिल्लाना स्टार्ट की है। तो कोयल की बोली में निखार है, कोयल की बोली में आवाज में बहुत क्या है, कोमल भाव है, निखार है, क्योंकि कौन सा ऋतु आया? वसंत ऋतु आया। कूक कूक कर गाती कोयल, कोयल कैसा गाती है? कूक कूक कर गाती है। उसके गीत बड़े ही कोमल, उनके गीत बहुत सुहावना और बहुत कोमल रहते हैं। कोयल बागों में है गाती, हम सबका मन है बहलाती, मीठी बातें हमें सिखाती, अच्छी बातें हमें बताती। हम कोयल की बातों से अच्छी बातें क्या सीखे? कि हमें धीरे से मीठे भाव से गाना चाहिए, नरम होके गाना चाहिए, सॉफ्ट होके। आवाज कैसे हो? मीठी हो। तो हमने कोयल हमें क्या सिखाई? कि आप जब भी बात करो धीरे से बात करो और मीठी आवाज में करो, मीठे स्वर में करो और अच्छी अच्छी बातें करो, तभी तो आपकी बातें सभी सुनेंगे ना। अगर आप जोर जोर से चिल्लाओगे तो आपकी बात को सुनना कोई भी पास पसंद नहीं करेगा। आप अच्छी ही बात करते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन जोर जोर से चिल्लाते हो तो क्या होता है? दूसरों को डिस्टर्ब होता है, कोई भी बात आपका सुनना नहीं चाहते हैं। तो आज हमने देखा क्या, पोयम देखा कि कोयल के बारे में आज हमने देखा और उनसे अच्छी अच्छी बातें भी सीखी कि हमें अच्छी तरह बात करनी चाहिए, हमें सॉफ्ट बात करना चाहिए और मीठी बातों में, मीठी मीठी बातों से हमें गाना गाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक कोयल कब कविता हमने पढ़ा। आप देखिएगा पेज नंबर 28 है, आप टेक्स्ट बुक निकाल के अपने घर में पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।